दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। और आज मैं बताऊंगा आपको लेडीज़ों में महामारी की जो समस्या होती है, महामारी बंद हो जाती है, जो मासिक धर्म होता है वो बंद हो जाता है, वो किस तरह से खोलना है। और इसकी एक रामबाण औषधि है और कोई भी इसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे नुस्खे लेकर आता हूँ जो बहुत ही उपयोगी होते हैं और निःशुल्क होते हैं और 100% नेचुरोपैथी नेचुरली होते हैं। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं होती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हेलो पे बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे डालता हूँ, हेलो पे जाके आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारे नुस्खे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे नुस्खे बना के तैयार करके भेजता हूँ मैं। और तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मासिक धर्म के बारे में। तो मासिक धर्म लेडीज़ों में जो बंद हो जाता है उसे खोलने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाए वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सी औषधि है वो, ऐसे किस औषधि में ऐसे गुण हैं जो मासिक धर्म को खोलने की क्षमता रखती है। और ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं उस जड़ी बूटी के पास। आपको बताते हैं कौन सी जड़ी बूटी है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखो ये खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है, इसे हम बोलते हैं अरंड या अंडी। आपने देखा होगा आपके और पास घरों के आसपास भी जमाते हैं ये। वैसे मेरे घर के पास में ही है ये, तो मैंने कहा यहीं से बना लेता हूँ वीडियो। तो ये देखो, ये है अरंड, इसे बोलते हैं। मैं आपको इसका पत्ता तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखो, इस टाइप का इसका पत्ता होता है, ये इसका पूरा पेड़ है। इसका करना क्या है, किस तरह से यूज़ करना है इसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जड़ लेनी है आपको, जड़ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस टाइप से कैसे आपके इसकी जड़ कैसे काम करेगी। तो जैसे कि ये है, ये इसकी जड़ है। और यकीन मानिए आप, इसकी जड़ में इतनी वो ताकत है, वो शक्ति है जो आपने कभी आंक भी नहीं सकते। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे वो आसपास ये खड़ा रहता है और इसमें इतनी ताकत है। तो इसकी जड़ को लेना है आपको लगभग 50 ग्राम जड़। जिस स्त्री का मासिक धर्म बंद हो गया है उसे इसकी 50 ग्राम जड़ लेनी है। ये जड़ लेकर पीसनी है, कूट काट के पीस लो, पीट्स के। और जो बेसन होता है चने का, बेसन में इसे गूंध लो, गूंध के पानी मिला के इसकी रोटी बनाओ और रोटी खानी है आपको। जिस स्त्री का मासिक धर्म बंद है इसकी जड़ 50 ग्राम चने के आटे में गूंध के रोटी बनाकर खानी है रात को। और ये आप एक बार नहीं, आप दो बार भी कर सकते हो, तीन बार भी कर सकते हो, जब तक आपका खुलकर नहीं आता है तब तक आपको करते रहना है। आप हर जगह से निराश हो जाएंगे लेकिन इस जड़ी बूटी से आप निराश नहीं होंगे कभी, ये लिख के दे सकता हूँ मैं। तो आप ठीक है, आप इसे यूज़ करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये यूज़ किया है और यूज़ करके मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।